वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेराग स्किन केयर। गाइस कैसे हैं आप सब? सो गाइस जैसे आपने देखा है कि ये हेयर पैक लगाने के बाद मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो गए थे। अगर आपके बालों के झड़ने की प्रॉब्लम है या बालों में किसी भी तरह की फ्रीजीनेस है, बाल बहुत रूखे सूखे से हो रहे हैं, ड्राइनेस ख़त्म नहीं हो रही है, तो गाइज़ ट्रस्ट में ये DIY हेयर पैक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं गाइज़। मैं जब भी आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर करती हूँ उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको ऐसे बताती हूँ जो आपको किचन से ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस DIY को बनाने के लिए मैंने जो यूज़ किए हैं वो है प्लेन विदाउट एनी फ्लेवर प्लेन राइस। किसी भी कंपनी के आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड के। आपको प्लेन राइस लेने हैं बॉयल किए हुए, जैसे हम घर में राइस बनाते हैं बच जाते हैं, उनको 3 से 4 चम्मच आपको वो बॉयल राइस लेने हैं। और साथ में आपको चाहिए 1 बनाना, पक्का हुआ, एकदम से पका हुआ बनाना होना चाहिए। राइस और बनाने ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे बालों पे कंडीशनर का काम करती है, बालों की फ्रीजीनेस को ख़त्म करती है, बालों को सिल्की सॉफ्ट बनाने में हेल्प करती है। अगर बालों की झड़ने की प्रॉब्लम है या ड्राइनेस है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ये उसको बहुत ईजिली रिपेयर करेगा। तो थोड़ा सा आपको इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ग्रैनुअल्स नहीं होने चाहिए, एकदम से स्मूथ पेस्ट बननी चाहिए। और एक सबसे ज़रूरी काम आपको ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई ईजी सी DIY आपके साथ शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो पेस्ट बनाने के बाद आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से इसकी क्वांटिटी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच जाए तो 3 से 4 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, नहीं तो भाई को, पापा को, मम्मा को, किसी को भी अप्लाई कर दीजिए, बालों पे बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप अपने बालों पे अप्लाई करते हैं डेली रूटीन में, तो आप वो इसमें 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ऑयल को इस पूरी पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने पूरे बालों पे स्कैल्प से लेके लेंथ तक अच्छे से अप्लाई करना है। कोई भी पार्ट रहना नहीं चाहिए, अच्छे से आपको इसको अप्लाई करना है। और 3 से 4 घंटे के लिए आपको इसको अपने बालों पे अप्लाई करके रखना है। तो ये देखिए मैंने पूरे अपने बालों पे स्कैल्प से लेके लेंथ तक अप्लाई कर लिया है। और जब ये 3-4 घंटे हो जाए आपको इसको अप्लाई किए हुए, तो शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश कर लेना। ट्रस्ट मी गाइस, इतना इफ़ेक्ट आता है ये अप्लाई करने के बाद, रियली आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो जाएंगे। हफ्ते में एक बार आप इस DIY को ज़रूर यूज करना। जितनी भी फ्रीजीनेस है, बालों में जान नहीं है, वो सारी वापस आ जाएगी। आपको कभी पार्लर में जाके कोई स्पा केराटिन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। DIY बहुत अच्छा काम करती है बालों के ऊपर। अप्लाई करने के बाद जब मैंने वॉश किया, आप मेरे बालों में शाइन देख रहे हो, ऐसी ही शाइन आएगी आपके बालों के ऊपर। मैं बिल्कुल आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ और इतना अच्छा रिज़ल्ट है गाइस कि आप एक बार यूज़ करने के बाद इसको दोबारा ज़रूर अप्लाई करेंगे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि गाइस आपको मेरी आज की सिंपल सी DIY पसंद आएगी। इस वीडियो के रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट ईजी सी DIY के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।